ऑपोजिशन की कथित शराब घोटाला नहीं किया आपकी नजर में? काहे का शराब घोटाला यार, पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले दिन कहते हो 30,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, एंड में क्या निकलता है? 2 करोड़ का। आज के ज़माने में जब आधार कार्ड तुम्हारे हर चीज़ से लिंक है, एक 2 करोड़ की ट्रांजेक्शन ढूंढनी क्या मुश्किल है? 2-2 साल में तुम ट्रायल शुरू नहीं कराओगे? वाह भी वाह तुम्हारी। और PMLA बना किस लिए था? कांग्रेस ने बनाया था इसको नारकोटिक किट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग किट करने के लिए। 1 करोड़ से 2 करोड़ की ऊपर, मतलब 50 करोड़ से ऊपर की जो, तब वो केसेस उसमें हैंडल होते थे। अब 1-1 करोड़ की ट्रांजेक्शन को तुम करने लग गए हो, इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है तो और क्या है ये? इसको अब PMLA अपने अपने हिसाब से कानून चेंज कर दो कि बेल, जिसको बेल देनी होती है, अगर आप, अब मैं अपना कहता हूँ ना ED को, एक जो अगली जो सुनवाई होनी है 4 दिन बाद, मत जाएं अपोज करने बेल को, देखना बेल दे देंगे वो। तुम सिंपल से कह देते हो कि बाहर जाके ये गवाहों को अफेक्ट करेंगे और वो करेंगे, वो बेल नहीं देता, उसको तो जज की मजबूरी है बेल ना देना। पर ये जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि 2-2 साल से ये साले ट्रायल शुरू नहीं करवाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो निर्दोष है, मैं नहीं कह सकता कि वो निर्दोष है, पर कोर्ट ही तो बताएगा ना। अब लोग कहते हैं कि 2-2 साल से बेल क्यों नहीं मिल रही, तो मैं कह रहा हूँ 2 साल में तुम ट्रायल शुरू करा के अंदर क्यों नहीं करते हैं उसको? 32 पोर्टफोलियो हैं दिल्ली के अंदर और 6 से ऊपर आप मिनिस्टर नहीं रख सकते हो, 4 जने तुमने अंदर कर दिए, तो कौन चलाएगा सरकार? LG फाइलें नहीं साइन करेगा, कौन चलाएगा सरकार? अल्टीमेटली जो वोटर जिसने 62 और 67, जिनको 2 इलेक्शनों में वोटर दिए, वही परेशान है ना, इनको क्या है? ये तो बैठे हैं अपनी उसमें हवाई जहाजों में घूम के, सब कुछ भी, जय श्री राम बोलो टिकट ले लो, मुसलमानों को गालियाँ दो टिकट ले लो, अहदे ले लो, ये क्या है? नॉर्मल आदमी के तो जो उसको सुख सुविधाएँ उसने मेहनत करके 10 साल में जो हमने आम आदमी पार्टी ने दी, उसको क्यों वंचित करते हैं? उसको एक माइनॉरिटी, एक सेल होता है, उसमें क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी रीइंबर्समेंट आती है ट्यूशन फीस की, मैंने भी अप्लाई की है उसके अंदर। अभी तो वो जो बॉडी है वो भंग कर दी है, रेवेन्यू की बॉडी है आपने वो भंग कर दी है, तो काम कौन करेगा? बस किसी भी तरीके से काम अटकाओ और इल्ज़ाम लगाओ, बस आप कुछ करना नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में करते रहो लोगों को, वो केजरीवाल को करना आता नहीं, तो यही है।